जूनियर सेल्समैन के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपनी राय रखना चाहता हूँ कि इस भर्ती के विषय में। यह भर्ती सर राज्य सरकार द्वारा लगभग 2-2.5 वर्ष पहले निकाली गई थी। सर, इसका रिजल्ट हम लोगों ने बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, बड़ी लड़ाई लड़ी है, भोपाल तक हम लोगों ने भागदौड़ की, जब जाके मंत्रालय से इस रिजल्ट को घोषित किया गया है MP ऑनलाइन के माध्यम से। सर, इस रिजल्ट को आए लगभग 3 माह हो गया है, परंतु आज तक इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सर, हमारे द्वारा सहकारिता आयुक्त और भोपाल में जो भी विभाग हैं सहकारिता के, उनसे संपर्क किया गया और उधर से सत्यापन प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त की गई, परंतु हमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई जिसमें सत्यापन की प्रक्रिया के विषय में बताया गया हो। सर, हम चाहते हैं कि हमारी जो सत्यापन की प्रक्रिया कहीं फाइल में दब कर रह गई है, उसे सर राज्य सरकार द्वारा और सहकारिता मंत्री द्वारा और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र से शीघ्र मध्य प्रदेश में जो हमारे यहाँ अभी उपचुनाव होने वाले हैं उसके पहले पहले पूरी की जाए और हम सभी को उनके जिलों की सोसाइटियों में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। सर, यह हमारी मांग है, हमारे संघ के पूरे अभ्यर्थी इसी भावना के साथ आप लोग आपके थ्रू यह मांग करते हैं कि राज्य सरकार हम बेरोजगार युवकों के बारे में भी सोचें जिनकी भर्ती कहीं फाइल में अटक कर रह गई है। सर, अगर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार समय पर नहीं करती है तो कुछ समय पश्चात हम भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे और थाली बजाओ आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसका दुष्परिणाम सरकार को और सहकारिता विभाग को भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम प्रमोद बघेल है, ग्वालियर ज़िले से हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सहकारिता विभाग में 2018 में वैकेंसी निकली थी, इसका रिजल्ट 20 मार्च 2020 में घोषित हुआ है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। नज़दीक उपचुनाव आने वाले हैं, सरकार के बीच मांग रखना चाहते हैं कि ज्वाइनिंग देने के आदेश दें। हमने भोपाल हेड ऑफिस शिकायत भी की है, लेकिन आश्वासन मिला है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग देने के आदेश दें। मेरा नाम करण सिंह बघेल है और मैं सतना जिले के सराह सोसाइटी से जूनियर सेल्समैन का चयनित उम्मीदवार हूँ। महोदय जी, मेरे द्वारा आपको एक महत्वपूर्ण विषय के लिए संज्ञान दिया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। माननीय केंद्र सरकार द्वारा 2018 में जूनियर सेल्समैन के पूरे राज्य स्तर के 3629 पद निकाले गए थे, परंतु 2 साल बाद भी अथक मेहनत और प्रयास के बाद इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। पुनः वापस आने पर मई 20, 2020 को इसका रिजल्ट जारी हुआ। वर्तमान स्थिति में इस प्रक्रिया को लॉकडाउन तथा अन्य विसंगतियों के कारण रोक के रखा गया है। हम लोगों ने कई सारे अधिकारी और मंत्रीगणों से इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करने के लिए विनती की थी, परंतु उनके द्वारा हमें केवल झूठे और कोरे आश्वासन ही मिलते आ रहे हैं। इसलिए हमारे सभी जितने भी उम्मीदवार हैं वो आंदोलित होकर एक उग्र आंदोलन के लिए प्रयास कर रहे हैं। आंदोलन का प्रकार इस प्रकार होगा कि हम सब सभी एकत्रित होकर विंध्याचल भवन तक मार्च करेंगे तथा इसमें थाली और प्लेट आदि बजाकर उच्च अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। महोदय जी से यही निवेदन था कि हम लोग की बात ऊपर अधिकारी और कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए, जिसके द्वारा हम बेरोजगारों का भी रोजगार प्राप्त हो सकें। सरकार दतिया जिले के दुर्गापुर गांव से सहकारिता विभाग के जूनियर सेल्समैन पद के लिए चयनित हुआ हूं। शासन द्वारा जूनियर सेल्समैन पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी देरी की जा रही है,
और इस कारण हम बेरोजगारों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा यह शासन से अनुरोध है, कृपया हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर हमें नियुक्त करने की कृपा करें। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष बौद्ध है और मैं दतिया जिले का रहने वाला हूँ। सर, हम आपकी मीडिया के माध्यम से हम अब सरकार से अपनी मांग रखना चाहते हैं कि वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में जूनियर सेल्समैन की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें हम चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द हमारे नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएँ। हमने ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन हमें आश्वासन मिला है, आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। हमने सहकारिता विभाग के भोपाल में हेड ऑफिस में भी कई बार हमने शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन हमें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। हमने सहकारिता मंत्री जो वर्तमान गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, उनको भी लिखित में आवेदन दिया है, लेकिन उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी नियुक्ति की मांग करते हैं सरकार से कि हम बेरोजगार युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए। धन्यवाद।